दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे शार्पनर कम इरेजर मिनी किट के बारे में। एक डोम्स का है और एक अप्सरा का है। 10 रुपये MRP वाला किट है ये। तो लेफ्ट हैंड में जो अभी है ये है हमारा इरेजनर नाम है इसका। ये बेसिकली इरेजर और शार्पनर को मिला के जो कॉम्बो है उसका नाम से बना हुआ है, इरेजनर। शार्पनर और इरेजर दोनों मिला के बनता है एक ही सेट में, तो उसको बोलते हैं। और यह है TDF नाम है उसका, तो वही सेम है। ये अप्सरा का है और डॉम्स का है। नो, यही है प्रोडक्ट। 10 रुपये में छोटा सा आता है, पूरा अच्छे से पैकिंग किया हुआ रहता है। इसको खोल कर देख लेते हैं। चलिए, नॉर्मली इसी तरह का रहता है। देखिए आप, ये ऊपर में ये इरेजर है और नीचे तरफ शार्पनर है, और अंदर शार्पनर का टुकड़ा वगैरह जो रह जाता है डस्ट सब, उसको स्टोर करने के लिए थोड़ा जगह रहता है। और ये अप्सरा वाला है, वही सेम डिज़ाइन में रहता है। ये देखिए, ऊपर वाला इरेजर और नीचे वाला शार्पनर, दोनों ही खुलता है। अंदर थोड़ा स्पेस रहता है, वही उसका कचरा वगैरह रहने के लिए शार्पिंग के टाइम। ये देखिए, हम कटिंग करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, उसका जितना डस्ट पार्टिकल वो अंदर स्टोर होके रखिए आप, और उसको बाद में आपके कहीं डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये रहा, अभी डोम्स अप्सरा वाला देखते हैं। ये देखिए, इसका भी क्वालिटी, मगर दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, दोनों का क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, तो अभी हम इरेजर वाला भी थोड़ा कर लेते हैं, कैसे उसका इरेजर का क्वालिटी कैसा कैसा है। तो अभी पेंसिल से थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसे इरेजर का हटा ना ही ज़्यादा ज़्यादा डस्ट, देखिए नॉन डस्ट रबर जैसा ही काम कर रहा है, क्वालिटी अच्छा है। और ये अप्सरा वाला, हाँ, इसमें थोड़ा डस्ट पार्टिकल ज़्यादा निकला है, मगर ठीक है। दोनों का होलसेल प्राइस लगभग सेम ही है। ये आपको 7.5 रुपये में मिल जाएगा अपने किसी लोकल होलसेलर के पास से।